इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इससे पहले आपने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। इसमें दो है आपका, एक है केमिकल सेल और दूसरा है कंसंट्रेशन सेल। तो केमिकल सेल में जो है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल आ रहा है या गैल्वेनिक सेल आएगा। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो केमिकल चेंज लाती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इन दिस सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी। तो दिस इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल चेंजेस। दिस सेल इज जनरली यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में यूज करते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकली चेंज करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज करते हैं। और यहाँ एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपको दिखाया गया फिगर में, ये बैटरी है, ये बैटरी एक्सटर्नल सोर्स का काम कर रही है, एक्सटर्नल करंट का काम कर रही है। एक्सटर्नल सोर्स मतलब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड से कनेक्ट करते हैं और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड से कनेक्ट करते हैं। तो जब हम एक्सटर्नल सोर्स से क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो हमारी करंट क्या होती है, फ्लो होने लगती है। और करंट के फ्लो होने से ये जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है याद रखिएगा, वो क्या करते हैं, करंट आने से ये दो पार्ट में टूट जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव में। पॉजिटिव पार्ट को आप कैटायन कहते हैं, निगेटिव पार्ट को आप एनायन कहते हैं। जो कैटायन होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं और एनायन जो होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये करंट ऐसे आ रही है, फिर सोल्यूशन में आप देख रहे हैं कैटायन कैथोड की तरफ इन द सेंस निगेटिव पोलरिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। इस तरीके से सप्लाई होती रहती है। और ये आपका देख रहे हैं एनायन है, एनायन पॉजिटिव पोल की तरफ, मतलब ये आपका एनोड है, एनोड है तो निगेटिव, ये जो एनायन है यहां आ रहे हैं एनोड पे आ रहे हैं, एनोड इन द सेंस ये पॉजिटिव पोलरिटी है याद रखिएगा, कैथोड निगेटिव पोलरिटी का काम कर रहा है। और इस तरीके से ये क्या हो रहा है, जो इसमें केटायन और एनायन होते हैं अपोजिट पोल पे क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं। और मूव कर जाने की वजह से जो यहाँ केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइट में हो रहा है वो एक्सटर्नल सोर्स की वजह से हो रहा है। एक्सटर्नल सोर्स क्या है, ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बैटरी के द्वारा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आ रही है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस इन द सेंस इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, दो पार्ट में ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो निगेटिव पोल पे जाता है, जो निगेटिव होता है वो पॉजिटिव पोल पे जाता है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस हो जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। एक बार फिर से याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो पार्ट में डिवाइड है, केमिकल सेल और कंसंट्रेशन सेल। केमिकल सेल और कंसंट्रेशन, केमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोड होंगे डिफरेंट मेटल के बने होंगे, डिफरेंट रॉड एक्स वाई। केमिकल सेल में जो एनोड होंगे सेम मेटल के बने होंगे, मतलब एक्स एक्स। याद रखिएगा केमिकल सेल में आपको दो सेल पढ़ना है, पहला है इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। गैल्वेनिक सेल का बहुत ज्यादा एग्जांपल है, जैसे आपका ये हो गया ड्राई सेल हो गया, टॉर्च में जो आप यूज करते हैं, तो ये तमाम सेल जो होंगे गैल्वेनिक में आएंगे, उसको हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।